वह बोधिसत्व हो सकता है जो 2500 साल के बाद जमुदीप में फिर से उत्पन्न होंगे और ये धर्म चक्र को गतिमान करेंगे। नमो तथागत भगवान सम्यक संबुद्ध भगवान ने स्वाख्यात किया हुआ, सुस्पष्ट किया हुआ, जो धारण करने योग्य ऐसा सद्धर्म और जो संघ गुणों को धारण करते हुए संघ गुणों का
व्यक्तिकरण जो स्पष्ट होता है वो संघ उसे कहलाया जाता है। एक व्यक्ति भी क्यों न हो, सद्धर्म के गुणों को संघ के गुणों को धारण करते हुए लाभान्वित हुआ, शोतापन्न हुआ, सकदागामी हुआ, अनागामी हुआ, अर्हत हुआ, मार्गस्थ या फलस्थ हुआ, वही संघ गुणों को धारण करने वाला कहा जाता है। तो आर्य शावक एक भी क्यों ना हो, आर्य शावक कहा जाता है। गृही या गृहत्यागी, ऐसे भगवान का आर्य शावक संघ। प्रथमतः इन तीनों रत्नों को अभिवादन करते हुए जिन जिन युग पुरुषों ने, महानुभावों ने इस धर्म रत्न को सुरक्षित रखा, हिफाजत की, पालन करके रखा है, सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्ष को, जिसमें जिन जिन व्यक्तियों का महाकाश्यप सिंह से लेकर बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी तक, जिन्होंने द्वितीय बुद्ध शासन की नींव डाली नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि पर, तीन शरणों में और पांच शीलों में प्रतिष्ठित करते हुए द्वितीय बुद्ध शासन का धम्म चक्र यह गतिमान किया, यह धम्म चक्र गतिमान किया। जैसे सम्राट अशोक द्वारा उनके काल में विजयादशमी के दिन जो सम्राट अशोक ने इस धम्म चक्र को गतिमान किया था, धम्म क्रांति की थी बाबा साहब ने, उससे राजा होकर भी उससे कहीं तुलना से अधिक द्वितीय बुद्ध शासन की यह आधारशिला नींव डाली। भगवान की वाणी 2500 साल के बाद ऐसे एक इस जम्बूद्वीप में सत्व उत्पन्न होंगे, निर्माण होंगे, और फिर से द्वितीय बुद्ध शासन की आधारशिला को मजबूत करेंगे। यही बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी द्वारा यह जो द्वितीय बुद्ध शासन का धम्म चक्र यह गतिमान जो किया, जिस दिन सम्राट अशोक द्वारा यह विजयादशमी के दिन ही जिन्होंने गतिमान किया था, वह दिन बदलने का नहीं है। इसी दिन हम 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने धम्म चक्र को और भी गतिमान किया, जिसे धम्म क्रांति के रूप में जाना जाता है। वह दिन शूद्र और अतिशूद्रों से तहस नहस यह जाति प्रथा की सारी बेड़ियां को तोड़ करके समताधिष्ठित समाज निर्माण करने वाली यह सामाजिक क्रांति का जो अभियान चलाया था अपने जीवन में बाबा साहब ने, यही उच्च कोटि का अंतिम सुर था कि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को जो क्रांति की, सामाजिक परिवर्तन हुआ, यह धम्म क्रांति की, तो विश्व में जितनी सारी तब्दीलियां आई, अनेक अनेक विश्व के सारे समाज में राजनीतिक क्रांतियां, आर्थिक क्रांतियां या और भी सांस्कृतिक क्रांतियां जो भी उथल पुथल हुए, इन सभी उथल पुथलों में, सामाजिक क्रांतियों में बाबा साहब का यह 5 लाख लोगों का यह बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, तीन शरणों में और 5 शीलों में प्रतिष्ठित करते हुए 22 प्रतिज्ञा की यह सुंदरता की जो झालर चढ़ाई, नए जीवन का नया अभियान चलाया, सामाजिक क्रांति का अभियान, सामाजिक क्रांति के अभियान की यह उच्चतम अवस्था, वही बाबा साहब की धम्म क्रांति थी। जितनी सारी उथल पुथल विश्व में हुए, दुनिया में हुए, बाबा साहब की सामाजिक यह धम्म क्रांति की तुलना, कोई क्रांति इस तुलना में नहीं बैठ सकती है। इतनी उच्चतम कोटि की यह सामाजिक परिवर्तन की यह बाबा साहब की धम्म क्रांति की धम्म चक्र को गतिमान किया था। उनकी सारी यादगार, ताकि सारे विश्व को अब युद्ध की जरूरत नहीं, मैं हर देश में, हर गांव में, हर घर में जाऊंगा और दुनिया के लोगों को, मनुष्य और मनुष्यत्तर लोगों को, प्राणियों को, युद्धों की नहीं, युद्ध से तो मनुष्य की, मनुष्य समाज की, मानव जाति की हानि ही होगी, इससे मानव जाति की समस्याओं का
समस्याएं छूटेगी नहीं, नहीं छूट पाएंगे। केवल भगवान की सद्धर्म की वाणी से, भगवान के सद्धर्म से ही दुनिया का कल्याण होगा, तरक्की होगी, विकास होगा, मानव जीवन की उच्चतम ऐसे विकास होगा जो एक दूसरे टूटे हुए मनों को जोड़ने का रसायन जो बाबा साहब ने यह अनुसंधान किया, वही भीमा कोरेगांव के वही विजय स्तंभ पर बाबा साहब को वहाँ प्रेरणा स्थान 1 जनवरी को जहाँ कहाँ पर भी रहे तो वहाँ पर जाया करते थे 1 जनवरी को। यह तो हादसा हुआ था 1 जनवरी 1818 में, जो पेशवाओं की सेना 28,000 थी और दूसरी तरफ ये महार सैनिक 500, एक भी नहीं बच पाया। इसलिए कभी कभी लोग, मराठी में कहावत है ना, तो कहते लोग तुझा सार के 58 पायले, तो ये कहावतें वहीं से उत्पन्न हुई। एक महार सैनिक ने 28 पेशवाओं के सैनिकों को भून लिया, काट दिया। तो इतनी शौर्यशाली, पुरुषार्थ करने वाली जमात, यह नाग लोगों की अग्र जमात थी, इसके जैसे कोई पुरुषार्थ पराक्रम करने वाली जमात नहीं है दुनिया में, ऐसे अंग्रेजों का कहना था। ऐसे अंग्रेज इस निष्कर्ष नतीजे पर पहुंच गए थे, अगर मान लो इस जमात ने आक्रमण करते गई तो सारा विश्व पादाक्रांत कर देगी और सारे विश्व भर में राज करेगी, इतनी क्षमता है। अब न जाने, इसलिए बाबा साहब ये श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति की दरार, यह बाबा साहब को वहीं पर, पूज्य आचार्य गोयनका गुरु जी कहते थे, केवल इस देश की चाबियां बाबा साहब को ही मिली, अन्य कोई व्यक्ति नहीं उत्पन्न हुआ, केवल बाबा साहब, बोधिसत्व है ना। इसलिए इस देश के ताले केवल बाबा साहब ने ही खोले, और दूसरे व्यक्तियों को, किसी को खोलना ही नहीं आया, उनके हाथ में चाबियां ही नहीं मिलती। इस देश में ये श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति के बीच की दरार, इस देश की इतिहास की धारा, ये केवल अकेले, केवल अकेला, यही अकेला विद्वान हुआ जिसको इतिहास की ये वैज्ञानिक धारा, वैज्ञानिक प्रक्रिया समझ में आई, वही भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ पर। बाबा साहब ने तो ठान लिया कि सारा विश्व, सारा भारत धम्ममय करेंगे, बुद्धमय करेंगे। और यही बात को मद्देनजर रखते हुए, यही बात को मद्देनजर रखते हुए सारी इतिहास की जानकारी एक एक कदम कदम करते रहे। न जाने बाबा साहब, अच्छा हुआ कि बुद्ध और सद्धर्म ये अपने जीवन में 56 ग्रंथ लिखे। और न जाने भगवान की सारी वाणी को बुद्ध और उनका सद्धर्म, यह अंग्रेजी में लिखी किताब 5 दिसंबर 1956 को शरीर त्यागने के प्रथम एक दिवस ये तो कंप्लीट हुआ, परिपूर्ण हुआ है। अब पता नहीं बाबा साहब जल्दी गए, लेकिन सारा समाज यही बाबा साहब के जो उद्देश्य पूर्ति के लिए जो बचा है, इतनी बड़ी धम्म क्रांति हुई तो धम्म के सौंदर्य के बारे में, धम्म साहित्य के रूप में ये पनप नहीं सका। धम्म साहित्य की सुंदरता इतनी सारी त्रिपिटक में भरी हुई है, धम्म साहित्य का सौंदर्य प्रकाशित करने में कामयाब नहीं रहे। अगर ये कामयाबी होती तो गुलामों को एहसास करा दो कि वे गुलाम हैं। अगर ये काम बाबा साहब के अनुयायी से पूरा होता तो सारा भारत आज बुद्ध में, धर्म में हो सकता था। लेकिन ये ड्यूटी बाबा साहब ने दी हुई, बड़ी बड़ी सबसे ये बड़ी खतरनाक, बड़ी जिम्मेदारी की ड्यूटी बाबा साहब ने सब पर दी थी, गृही हो या गृह त्यागी हो, भिक्षु हो या साधक उपासक उपासिका हो, ये ड्यूटी बाबा साहब के जाने के बाद हम यह ड्यूटी बजाने में कामयाब नहीं हुए, ये तो मानना ही पड़ेगा। अगर ये कामयाब होते तो कैसे, तो यह आवाज भगवान की आवाज, सद्धर्म की आवाज, यह संघ की आवाज सारी दुनिया में फैले। यह आवाज जो दबे हुए, कुचले हुए लोगों की आवाज सारी दुनिया में फैले, आवाज चैनल घर घर में पहुंचे, तो बहुत मंगल कामना करते हैं, बहुत मंगल कामना करते हैं, सारे विश्व में फैले, सारे विश्व में यही भगवान की वाणी सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्ष को लेकर के हर घर में जाए,
सारे विश्व के गुलामों को वह एहसास करा दे। अरे कहाँ खोए हुए है, अविद्या में सारे लोग, सारे संप्रदाय के सारे लोग अविद्या में सारे संस्कारों को ही ग्रहण करते करते अविद्या में जी रहे हैं, जन्म ले रहे हैं और मरे जा रहे हैं। विद्या का नामो निशान नहीं, बोधि का नामो निशान नहीं, ये सारी बोधि ये आवाज़ चैनल के जरिए सारे विश्व में फैले। हम खूब मंगल कामना करते हैं और ये वर्षावास का जो प्रारंभ हो रहा है, हर एक वर्षावास आषाढ़ी पूर्णमासी को प्रारंभ होता है। क्या महत्व है आषाढ़ी पूर्णमासी का? ये कोई व्यक्ति होता है, महापुरुष होते हैं, तो सभी महापुरुषों के जन्म की कहानी, सभी महापुरुषों के महापुरुष उन्हीं को ही कहा जाता है जो सम्यक संबोधि को प्राप्त करते हैं, सम्यक संबोधि ज्ञान का अनुसंधान करते हुए, सम्यक संबोधि को ज्ञान का धारण करते हुए, सम्यक संबुद्धत्व प्राप्त करने की क्षमता को उत्पन्न करने के लिए 10 पारमिताएं, 10 उपपारमिताएं और 10 परमत्थ पारमिताओं को ऐसे संग्रहित करते हुए पारमिताओं को पहाड़ खड़ा कर देते, पारमिताओं का पहाड़। और जब तक कि कोई व्यक्ति ऐसे 10 पारमिताएं, 10 उपपारमिताएं और 10 परमत्थ पारमिताओं को, 300 पारमिताओं का पहाड़ खड़ा करे, तब ही कहीं यह 32 लक्षणों वाला, यह 80 अंशी जो अनुव्यंजन वाला, ऐसे ही महापुरुष उत्पत्ति, महापुरुष की उत्पत्ति होती है। वे ही बोधि ज्ञान का अनुसंधान करते हैं और बुद्धत्व प्राप्त करते हैं। इस युग में, भद्रकल्प में, इस महाभद्रकल्प में जैसे सिद्धार्थ गौतम इस युग के महापुरुष रहे, सिद्धार्थ गौतम जो जहाँ शाक्य कुलों में जन्मे, महामाया उनके माता जी का नाम, शुद्धोधन उनका पिताजी का नाम, भगवान जो गौतम, सिद्धार्थ गौतम नाम के ये बुद्ध, इस भद्रकल्प में 5 सम्यक संबुद्ध होने वाले हैं। भगवान जो सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध हुए, उन्होंने ये भविष्यवाणी। इस भद्रकल्प में 5 सम्यक संबुद्ध होने वाले हैं। भगवान जो सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध हुए, उन्होंने ये भविष्यवाणी। ये ककुसंध, कोणागमन और काश्यप, ये 3, चौथे ये सिद्धार्थ गौतम, और आने वाले सम्यक संबुद्ध ये अर्य मैत्रेय बुद्ध होंगे आखिरी के। तो इस महाभद्रकल्प में 5, न जाने हम रोजाना कहते एज बुद्धा अतीताच, एज बुद्धा अनागता, बच्चो बन्ना चाहिए बुद्धा, अहं बन्दामि सर्वदा, रोजाना कहते। तो न जाने भूतकाल में केवल संत तुकाराम की भाषा में, युगे 28 विटेवरी उबा, ये पंढरपुर का ये जो विठ्ठल है ना, जो इस महाराष्ट्र के लोग पंढरपुर में ठल विठ्ठल करके जाते ना, ये भगवान के गुण गाते गाते जाया करते थे। ये पता नहीं था कि आषाढ़ी पूर्णमासी को, आषाढ़ी एकादशी को ही क्यों जाते हैं, क्या मकसद है। बाबा साहब ने जब 1 जनवरी को 1954 को भीमा कोरेगांव में गए थे, और जहाँ तलेगांव दाभाड़े का उनका मकान, वहीं पर हु वाज विठल, ये जो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने जो 18वां जो ग्रंथ है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग और स्पीचेस, उसमें यह बातें आई हुई हैं। हु वाज विठल, विठल कौन थे? संत तुकाराम की भाषा में बुद्ध रूपी, बुद्ध रूपे, मराठी में हाँची विठल, अरे बुद्ध रूप यही विठल है, और कौन सा दूसरा विठल है। तो न जाने यहाँ पंढरपुर तो ये नाग था, पूरे महाराष्ट्र का नाग, इसमें सम्राट अशोक के जो गुरुजी थे मोगरी पुत्र तिश्य, उन्होंने ही यहाँ आषाढ़ी पूर्णमासी को महाधम्म रक्षित नाम का एक भिक्षु भेजा था, और उन्हीं के द्वारा यह काम की शुरुआत की थी, पंढरपुर का जो मंदिर बनवाने का काम उन्हीं ने करवाया था। जब वो अक्षर है ना, वहां से, वहां भीतर जो अक्षर पाली लिपि में लिखे हुए हैं, पंढरपुर का ये मंदिर है ना, ये बुद्ध विहार, एक ही पंढरपुर के विहार की बात नहीं हो रही है, जितने सारे पुराने मंदिर है, ये पुराने जितने सारे मंदिर, लोग कुछ लोग कहते ये राक्षसों ने बनवाए हैं, तो जितने सारे पुराने मंदिर है वो पुरातन सभी बुद्ध विहार थे। बाबा साहब ने ये बात कही, बाबा साहब ने ये बात सिद्ध कर दी, पंढरपुर का ये विठल और दूसरा कुछ नहीं है। ठितो वा ठितो मीति पजानाती, जो विखंबन समाधि में स्थित है, ऐसे जो अपने अंतर मन की गहराई में जाकर के अंतर मन के विकारों की निर्जरा की सारी जड़ें खत्म कर, अरे वही तो बुद्ध है, वही तो भगवान है। पाली है, शब्द है विठल, लोगों को तो सब भूल भाल गए, और सारा
ये मृदंग और ताल बजाते बजाते हुए जैसे, अरे ये तो बहुत सारा लोग भूल गए, और सारे 108 मणियों की माला है, मालाओं का जाप अपने अपने, ये 108 36 काम तृष्णा है, 36 भव तृष्णा है और 36 विभव तृष्णा है, इसलिए 108 मणियों की माला जाप, माला का जाप हुआ। बुद्ध भगवान के शिष्य बुद्ध के नाम पर न जाने सारे संप्रदाय के सारे लोग भूल भाल गए। स्वयं ज्ञानेश्वर का भाई ये जो निवृत्ति है, ये महायानी भिक्षु था, हे इन्होंने ही 108 मणियों की माला का जाप करते करते आया और सारे लोग जाप करने लगे। संत भी मंडली सारी भूल भाल गई, असली विद्या बोधि ज्ञान को धारण करने वाली ये विपश्यना विद्या भूल गए, और सारे संप्रदाय के सारे लोग कर्मकांड में तहस नहस। यही आषाढ़ी पूर्णिमासी के दिन पंढरपुर में लोग भिक्षुओं को ये वर्षावास में ले जाने के लिए आते थे, बड़ा सेंटर था प्राचीन जमाने में, बड़ा सेंटर था, और ऐसे झुंड के झुंड जाया करते थे, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि बोलते हुए जाया करते थे। लेकिन अब तो वो भूल गए, आप सब भूल गए, और भिक्षुओं को अपने गांव में वर्षावास के लिए, अपने नगर में वर्षावास के लिए विहारों में ले जाया करते थे, इसलिए आषाढ़ी एकादशी को पहुंचते थे। आप तो भूल भाल गए, न जाने कर्म कांड चलता रहा, फिर भी यह याद बाबा साहब ने दिलाया, मैं सिद्ध कर दूंगा कि ये पंढरपुर का मंदिर भी भगवान बुद्ध का विहार है। मैं एक तो बुद्ध जयंती को 1956 को धर्मांतरी वहीं पर करने वाले थे पंढरपुर में, बुद्ध जयंती को वहीं पर पंढरपुर में धर्मांतर करने वाले थे, धीरे धीरे क्यों न हो, लेकिन सब लोग बाबा साहब वहां पर टटोला है, लोगों के मनों को टटोला टटोला था बाबा साहब, लेकिन ये नागपुर की मंडली है ना बाबा साहब की अनुयायी, ये तो बार बार जाने के बाद में आखिर बाबा साहब ने निर्णय लिया, और यह कर्म भूमि, एक बाबा साहब का शब्द किसी ने सुना हो, यह कर्म भूमि में कितने झूठ की झूठ, बाबा साहब के प्रति कितनी श्रद्धा थी लोगों में, बाबा साहब को भी ये भरोसा नहीं था कि इतने लोग इस धर्मांतर के, इस धम्म क्रांति के समारोह में आएंगे, लेकिन ऐसे तैसे करके ये लंबाई होती चली गई, और बाबा साहब ने आखिरी 14 अक्टूबर 1956 को यह दिन चुना था, यह नया पंढरपुर निर्माण किया, नया पंढरपुर टूटे हुए मनुष्यों को जोड़ने की दवा है, यह रसायन है बाबा साहब ने, सारे विश्व के टूटे हुए लोगों को जोड़ने का यह रसायन। अब भला कैसे जोड़ पाएंगे, कैसे जोड़ेंगे, ये तो ये भगवान की कहानी शुरू होती, आषाढ़ी पूर्णिमासी का महत्व इतना है कि ये सिद्धार्थ गौतम की ही बात नहीं, जितने सारे सम्यक संबुद्ध भूतकाल में हुए अनगिनत और भविष्यकाल में होंगे, सभी सम्यक संबुद्धों ने अपने माता के कोख में प्रवेश करने का यह दिन आषाढ़ी पूर्णिमासी का दिन है। सिद्धार्थ गौतम ने जैसे अपनी महामाया के गोद में वही सफेद हाथी, एक समय का वह सुमेध बोधिसत्व, वह अपना शरीर त्याग करके महामाया के गोद में कोख में प्रवेश करते हैं, वही आषाढ़ी पूर्णिमासी का दिन। आयु की 29वीं साल में गृह त्याग करके वह बोधि ज्ञान प्राप्त करने के लिए गृह त्याग करते हैं, वही आषाढ़ी पूर्णिमासी का दिन है। और बोधि प्राप्त करने के बाद, बोधि प्राप्त करने, सम्यक संबोधि प्राप्ति प्राप्त करने के बाद जब पहला धम्म चक्र प्रवर्तन जो करते हैं, तो वही सारनाथ की दिशा में जाते हैं, और वही पंचवर्गीय सन्यासियों को, परिव्राजकों को अपना धर्म कथन करते हैं। धम्म पहला उपदेश है भगवान का, धम्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। इसलिए कोई महापुरुष हो, केवल सम्यक संबोधि प्राप्त करने वाला महापुरुष इसी आषाढ़ी पूर्णमासी को ही अपना धम्म चक्र प्रवर्तन करते हैं। ये एक ही सम्यक संबोधों की बात नहीं है, केवल सिद्धार्थ गौतम ने यह आषाढ़ी पूर्णमासी के दिन बोधि प्राप्त करने के बाद धम्म चक्र प्रवर्तन किया, ये की सम्यक संबुद्धों की बात नहीं, जितने सारे भूतकाल के सम्यक संबुद्ध हुए और भविष्य में अनगिनत सम्यक संबुद्ध होंगे, सभी बुद्ध ना बोधि प्राप्त करने के बाद, ये वैशाख पूर्णिमा को वह सत्व बोधि सत्व जन्म लेते, वैशाख पूर्णिमासी को ही बोधि प्राप्त करते हैं, और वैशाख पूर्णिमासी को ही अपना शरीर त्याग करते महापरिनिर्वाण होता है, कितना वैशाख पूर्णिमासी को महत्व है। इसी समान ये आषाढ़ी पूर्णिमासी को जितने सारे सम्यक संबुद्ध हुए अपने माता के कोख में प्रवेश करते हैं, जैसे सिद्धार्थ गौतम ने, यही आषाढ़ी पूर्णिमासी के दिन यह पुरातन जीव जीवन था, श्वेत केतु सफेद हाथी बोधिसत्व, वह तुषिता देव सा देवता लोक से शरीर त्याग करके यह चित्त छूटा, और जो पटिसंधि नए जन्म का
पहला क्षण जो गर्भ में प्रवेश करना, इसी कोई पटी संधि कहते हैं। यही आषाढ़ी पूर्णिमासी का दिन था। 29वें साल में गृह त्याग किए, वह आषाढ़ी पूर्णिमासी का दिन था। बोधि प्राप्त करने के बाद यह धम्म चक्र प्रवर्तन किया, इसीलिए आषाढ़ी पूर्णिमासी का दिन। भाई एक ही सम्यक संबुद्ध समय, एक ही सम्यक संबुद्ध ने केवल इसी पूर्णिमासी को धम्म चक्र प्रवर्तन किया, ऐसी बात नहीं है। सभी सम्यक संबुद्ध, आगे आने वाले भी अनगिनत, सभी सम्यक संबुद्धों ने धम्म चक्र प्रवर्तन इसी आषाढ़ी पूर्णिमासी को किया। हर कोई सम्यक संबुद्ध जहाँ, सम्यक संबुद्ध जहाँ बोधि प्राप्त करने के बाद यह आषाढ़ी पूर्णिमासी को यह धम्म चक्र प्रवर्तित करते हैं। पहला उपदेश धम्म चक्र प्रवर्तन, यही पहला उपदेश होता है हर एक कोई सम्यक संबुद्धों का, दूसरा नहीं, पहला ये, यह उपदेश पहला यही होता है। और वह प्रथम उपदेश वहीं पर होता है जहाँ यह बोधि का ज्ञान प्राप्त करने के बाद धम्म चक्र प्रवर्तन करते हैं। तो सभी सम्य सभ्य बुद्धा समसमा, सभी बुद्धों की यह एक समान गुण होते हैं ना, तो एक समान यही भी हलचल होती है। आषाढ़ी पूर्णिमासी का दिन ऐसा जिसे सारे विश्व में धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में माना जाता है। बड़े धूमधाम से त्यौहार मनाया जाता है। और सिद्धार्थ गौतम भी जो सम्यक संबोधि को प्राप्त हुए, और न जाने सारे जम्बुदीप में सम्राट अशोक के काल में भी धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन इस देश में हादसा हुआ, वशावास को प्रारंभ भी हुआ करते, इस देश में हादसा हुआ। पुष्य मित्र शंग नामक ये ब्राह्मीणवाद जो श्रमण संस्कृति है, उसका पतन इसीलिए हुआ। जो छुपे रास्ते से यह सैनिकों में भर्ती हुआ, एडमिशन ली, और फिर तो वही पुष्यमित्र शुंग सम्राट बृहद्रथ, ये दसवां राजा, सम्राट बृहद्रथ ये दसवां राजा जिसकी कत्ल बड़े धूमधाम से विजयादशमी के दिन ही बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था उस समय, और जो कत्लेआम किया, जानबूझकर उसकी हत्या कर दी गई पुष्यमित्र शुंग द्वारा सम्राट बृहद्रथ की आखिरी, यही जिसे ये ब्राह्मीणवादी लोग दशहरा, अब दशहरा ने दसवां राजा जो था ना धार्मिक, वह हर गया। इसलिए राम रावण की कहानी ऐसे अपने माथे पर ऐसी इतनी रगड़ कर ऐसे चुभा दी जाती है जैसे कोई एक सही में ऐतिहासिक पुरुष हुए। अरे काल्पनिक कथाओं का ये रावण और दूसरा तीसरा कोई नहीं है, दसों राजा थे, ये धर्म राजा थे जिनका शासन खत्म हो गया। ये दसवां राजा यही पुष्यमित्र शुंग, ये जो जिसने मार दिया बृहद्रथ को, वही दसवां राजा था। इसलिए उन्होंने दस मुंह वाला रावण बना करके हमको बोला जाता है कि रावण ना ये लंका वाला है। कहाँ लंका, लंका में जा करके आए, कहीं रावण का आता पता नहीं है। ये दसों यही कहानी सुनाते, फिर भी हम लोग, बाबा साहब ने यही अनुसंधान उस भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ पर यही अनुसंधान किया कि श्रमण संस्कृति सारे नाग लोग थे, हम लोग वह प्राचीन काल के सभी धर्मिष्ठ थे, भगवान बुद्ध के अनुयायी थे। ये तेली माली कुंभी धनगर कोली महा सारी जाति उपजाति के लोग ये जाति में नहीं थे। कैसे वर्ण विहीन समाज था, 65% पूरे विश्व में, भारत के इतनी पूंजी यहाँ लगभग पूरे विश्व में ऐसे लगी हुई थी, नंबर एक का देश था उस समय। अभी जो एक डेढ़ महीना हो गया, जो मगध यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो गोल्ड जो अमर्त सेन, जिन्होंने ये तथ्य कि 65% इतना लगभग ऊंचे कोटि का नंबर एक देश था उस समय, सोने की चिड़िया कहलवाता था, 18 तक्षशिला नालंदा विक्रमशिला इतने सारे विश्वविद्यालय थे, जलाकर राख कर दिया गया, भिक्षुओं का कत्लेआम कर दिया गया, और न जाने जितने सारे पुरातन मंदिर है, भगवान की सोने की मूर्तियां तहस नहस कर दी गई, और वहां पर पत्थरों की मूर्तियों का प्रतिष्ठापन किया। इसी तरह इस देश में जितने नगर थे, निगम थे, देहात थे, धर्मिष्ठ लोगों के जलाकर राख कर दिए गए, खाक कर दिए। इस देश में ये हादसा हुआ, और इसी को बाबा साहब ने काउंटर रिवोल्यूशन का प्रतिक्रांति कही। तब से इस प्रतिक्रांति होने के बाद यह आषाढ़ी पूर्णिमासी जो दिन है ना, धम्म चक्र प्रवर्तन के रूप में, धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में माना जाता था सारे भारतवर्ष में, जम्बुद्वीप में, जम्बुद्वीप प्राचीन भारत का नाम
हाँ, ये प्रतिक्रांति होने के बाद में गुरु पूर्णिमा यह माना जाना है, माना जाता। उसमें फिर भी वहाँ कर्मकांड आया, फिर यज्ञ होने लगे। और उस यज्ञ में जो नारियल रखा जाता ना, बड़ा घट होता है, घट में नारियल रखा जाता है, तो ये नारियल और दूसरा तीसरा कुछ नहीं, भिक्षुओं का सर है। पुष्यमित्र शुंग ने ऐसे फतवा निकाला कि एक भिक्षुओं का सर काटने के लिए 10,000 सोने के कारशापण, सोने के सिक्के दिए जाते थे। स्वयं एक कोई सैनिक हो तो कोई पुष्यमित्र शुंग का सैनिक भिक्षुओं के पास जाता और उसको मार गिराकर उसका सर काट कर लाने के 10,000 कारशापण दिए जाते। हाँ, 10,000, इतना न जाने कितना हाल हुआ। जो भी साधु जैसे जंगल में भागने लगे भिक्षु, हाँ जंगल का सहारा लेने लगे, दाढ़ियों के सर के बाल बढ़ाने लगे और साधुओं के वेश में रहने लगे। और ये साधु संत और दूसरे कुछ नहीं है, भिक्षु हैं प्राचीन काल के। इसलिए बाबा साहब ने कहा था, ये नाथपंथी जितने सारे लोग हैं, भोला नाथ जिसने ब्राह्मीणवादियों ने उसको शंकर भगवान बना दिया, 1,000 भिक्षुओं को लेकर के वहाँ पर नाग, यहाँ पर पचमढ़ी में रहा करते थे। जितने नागनाथ, गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ, सारे आदिनाथ ये भिक्षु थे। न जाने उनको उनका चित्रीकरण विकृत किया गया और उनको साधु संत के रूप में पेश किया। ये सारे भिक्षु थे, मैं जा करके आया, ध्यान करके आया। न जाने सारे भिक्षुओं की प्रथा, स्वयं संत कबीर भिक्षु थे लेकिन लोगों को पता नहीं था उसके गुरु जी का नाम सिंहली आनंद था। ये सारे साधु लोगों ने ये बुद्धवाणी की सुरक्षा की। जैसे मराठी में होते तुका मने उगे रहा, जे जे हो तो ते पहा। अब क्या पे? ये अंतर्मुखी होकर के आर्य मौन रहते हुए कायानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, चित्तानुपस्सना, धम्मानुपस्सना। अब तो लोग भूल भाल गए और तुकाराम के नाम बरगड़ने वाले भी लोग भूल गए, सारे देश के सारे संप्रदाय के सारे लोग भूल गए, जो अपने आप को हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, यहूदी, मुस्लिम, सारे अपने आप को किसी संप्रदाय के सभी लोग सारे भूल भाल गए और सभी 108 मणियों के मणियों का ये माला का जाप करने लगे। क्या वो हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, मुस्लिम हो, यहूदी हो, जैन हो, इस देश के या उस देश के हो, सारे लोग ये विपश्यना का बोधि ज्ञान को धारण करने की ये वैज्ञानिक प्रक्रिया से दूर रहे। भिक्षु भी भूल गए, सारे अन्य लोग भी भूल गए, सब भूल भाल गए। बोधि जिसे बोधि ज्ञान, अभी आवाज चैनल द्वारा ये बोधि ज्ञान का प्रचार और प्रसार, जैसे बुद्धवाणी का प्रचार हो, सारे लोगों की अविद्या दूर हो, विद्या ही जगे, चारों आर्य सत्यों का ज्ञान प्राप्त हो, जो भी धारण करेगा जानेगा। धम्म चक्र पवत्त दिवस के अवसर पर यह बोधि जागेगी तो समझ में आएगा कि हमारे देश का हाल क्या था, कैसे संपन्न था। अब बाबा साहब ने टूटे हुए मनों को जोड़ने की ये विद्या भगवान का सद्धर्म, सारा विश्व, सारा भारत भगवान बुद्ध की इस विद्या में रमन करेगा, इस विद्या में पकेगा, इस विद्या धारण करेगा, तो अपने अपने सारे दुखों से, चाहे वो शारीरिक दुख हो या चैतसिक दुख हो, किसी प्रकार की सारी शोषण, किसी प्रकार की दुख यातनाएं देने वाली सारी जितनी सारी कुप्रवृत्तियां हैं दूर हो जाए। हम मनुष्य है। 999 लोगों की हत्या कर दी अंगुलीमाल ने, क्या राजा प्रसन्नजीत ने उसको फांसी पर चढ़वाया था? अरे नहीं, वेरेन वेरानी समंतीध कुदाचनन अवेरेने च संबंधी एक रंग। बैरी है ना, बैरत्व से कोई बैर खत्म नहीं होता, मैत्री से ही सारा। कैसी मैत्री करते हो, कैसी मंगल कामना करते हो, कैसी मैत्री करते हो? अरे मैत्री तो ये शब्द ही रहा, मैत्री करने का ज्ञान ही भूल गए। चाहे कितना भी अगले आने वाला खूंखार प्राणी भी क्यों ना हो, मनुष्यत्तर प्राणियों पर भी अगर मैत्री की तो वह भी शांत होता है, धर्म है, बड़ा शुद्ध है। धम्म अपने आप में बड़ा परिशुद्ध है, परिपूर्ण है, उसमें जोड़ तोड़ की कोई जरूरत नहीं है। भगवान की वाणी ही ऐसी है,
जो जो इसे धारण करेगा। धम्म चक्र, ऐसे ये जो चक्र दिख रहा है, यह चक्र वहां पर जो वाणी है लिखी है वो तो तोड़ करके रखी गई पंढरपुर के मंदिर में, और ये धम्म चक्र और भी चांदी का मुलामा लगाया हुआ अब पता है। और ये पंढरपुर के मंदिर में चौतरफा भगवान बुद्ध की मूर्तियां है, चारों तरफ है ना, अभी ये तो छुपा नहीं सकते। बाबा साहब ने ये जो अकेले भारतवर्ष में जो 2000 लेणियां है उसमें महाराष्ट्र में 1500 लेणियां, इसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र के एक समय ऐसा था कि महाराष्ट्र के सारे लोग 100% बुद्धिस्ट थे। ये बाबा साहब का इसका, ये तो ऐसे पुष्य मित्र शुंग का हमला हुआ और सारा तहस नहस हुआ। गुलामों को वह एहसास करा दो कि वे गुलाम हैं, जाग जाएंगे। जागृति का ये जो अग्नि है ना, कभी बुझना नहीं चाहिए, कभी बुझना नहीं चाहिए। तो ये आवाज़ चैनल भी है जागृति का, ऐसे अग्नि सारे विश्व में चलाते रहे। सारा ये प्रकाश, भगवान की वाणी का प्रकाश, यह सारा चौतरफा फैलता रहे, दसों दिशाओं में फैले, और मनुष्य और मनुष्य प्राणी सारे दुखों से छुटकारा पाने के लिए खूब सहायभूत हो, खूब मंगलमय हो। जो इस आषाढ़ी पूर्णिमासी के दिन यह इतना विस्तार से भिक्षुओं के वर्षावास शुरू होते हैं, 3-3 महीने की अधिष्ठान किया करते थे, पूर्णमासी हो, अष्टमी हो, अमावस के दिन हो, महीने में चारों दिन 8 शीलों का पालन करते हुए, जो व्यक्ति गृही हो या गृहत्यागी हो, शीलों का जिसने पालन नहीं किया, जिसने शीलों का त्रिविध रूप से पालन किया हो, त्रिविध रूप से यानी मतलब ये पहला शील होता है पाणातिपाता वीरमणि सिक्खा पदंग समाधि, यानी अब प्राणी मात्र की हत्या करने से बच करके रहना है। प्राणी मात्र की हत्या करने से बच करके कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे जब तक कि शिक्षा पद ग्रहण नहीं करेंगे। अब इसीलिए सील को ग्रहण करते हुए और उसका अमल कब करेंगे, अमल कब करेंगे, अमल यही 3 महीने के 4 महीने के वर्षावास इसीलिए हुआ करते थे। आयु में भगवान ने अपने जीवन में 46-45 वर्षावास किए, तो 46 साल इस सद्धर्म को बांटते रहे अपने अपने दुखों से। न जाने एक स्थल पर, वहाँ पर उस समय जम्बूद्वीप का यह कैपिटल प्लेस था सावत्थी, जिसमें 25 वर्षावास उस सावत्थी में के, उस समय 5 लाख लोग लाभान्वित होने वाले थे। यहाँ तक भिक्षु भिक्षुणियों की तुलना में यह धर्म को धारण करते हुए, शुद्ध धर्म को ऐसे धारण करते हुए भिक्षु भिक्षुणियों की संख्या से 3 गुना लोग श्वेतापन्न सकदागामी अनागामी फल प्राप्त हुए। गृही लोग, स्वयं राजा प्रसन्नजीत श्वेतापन्न फल प्राप्त था। एक राजा होने के बावजूद भी अनासक्त होने की यह विद्या सीख गए, निरासक्त होने की विद्या को सीख गए, चारों आर्य सत्यों का ज्ञान प्राप्त किया। जिन जिन लोगों ने यह आर्य सत्यों का ज्ञान, विद्या उत्पादी, विद्या अविद्या को दूर करके विद्या को धारण किया, विद्या को प्राप्त किया। जो कोई व्यक्ति भगवान के संपर्क में आए, संघ के संपर्क में आए, कितने लाभान्वित हुए। भगवान के समय में जो जो भी धार्मिक राजा हुए, सम्राट बृहद्रथ सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन यह इतिहास केवल केवल अकेले बाबा साहब को, गोयनका गुरुजी कहते थे केवल यह इतिहास देश का केवल बाबा साहब को ही समझ में आया, अन्य कोई व्यक्ति समझ ही नहीं पाया। रिवोल्यूशन और काउंटर रिवोल्यूशन, बाबा साहब की बात को कौन समझ सकता है। ये ब्राह्मीणवाद, यह तो प्रतिक्रांति है, और भगवान का यह सिद्धांत, भगवान का सिद्धांत क्रांति है जो लोगों में आमूल जड़ से परिवर्तन लाता है। इसलिए सामाजिक क्रांति के अभियान में बाबा साहब ने जो ऊंचे कोटि का जो परिवर्तन, जो सामाजिक, ये जो धम्म क्रांति 14 अक्टूबर 1956 को हुई। लोग तो यही कह, ये भी धम्मचक्र प्रवर्तन के मुताबिक, ये तो शब्द शब्द की शब्द का अंतर है, लेकिन धम्मचक्र प्रवर्तन नहीं कहा जाता है, धम्मचक्र को गतिमान किया जरूर, लेकिन ये चक्र है ना, ये जो दिख रहा है, ये पंढरपुर के मंदिर ना अन्य अन्य पुराने सारे मंदिरों में दिख पड़ेगा। 24 साल हेतु बच्चे यो, आरम्भण बच्चे यो, अधिपति बच्चे यो, अनंतर बच्चे यो, समानंतर बच्चे यो, सहजात बच्चे यो, अन्य अन्य बच्चे यो, निश्चय बच्चे यो, उपनिश्चय बच्चे यो, परे जात बच्चे यो, बच्चा जात बच्चे यो, आसेवन बच्चे यो, कम्म बच्चे यो, विवाक बच्चे यो, आहार बच्चे यो, इंद्रिय बच्चे यो, ज्ञान बच्चे यो, भंग बच्चे यो, संपयुक्त बच्चे यो,
विपयुक्त पच्चयो अति पच्चयो नत्थि पच्चयो विगत पच्चयो ए विगत पच्चयो। जो बाबा साहब ने इस तिरंगे पर लहराया ये चक्र, धम्म चक्र, ये धम्म चक्र घूमेगा तो भव चक्र टूटता चला गया, सारे दुखों से छुटकारा पाएंगे। ये धम्म चक्र बाबा साहब ने इस तिरंगे पर क्यों लहराया? राष्ट्रपति का जो निवास है उसमें धम्म चक्र पवत्तना ये लिखा, उस पर अभी तक के कोई लोकसभा या राज्यसभा में कोई चर्चा नहीं हुई। लोकसभा की जो सभापति का आसन है, राज्यसभा के सभापति का आसन, उसमें पीछे देखिए, अब तो आप तो एमपी नहीं हुए, फिर भी जो जो जब चित्रावली जब दर्शन होता है वहाँ पर समालोचन की बात होती है तब तो धम्म चक्र पवत्तना मैंने अपने खुद आंखों से देख लिया और पढ़ भी लिया। अरे अभी भी है धम्म चक्र पवत्तना, किसके लिए क्यों लिखा बाबा साहब ने? यह धम्मचक्र पवत्तन आषाढ़ी पूर्णमासी के दिन जो भगवान ने धम्मचक्र पवत्तन किया, धर्म को प्रकाशित किया, धर्म को प्रसारित किया, धर्म की सारी जितनी सारी खामियां सभी जीवन की नाम और रूप के ये सारे प्रपंच को प्रकाशित किया। ये नाम और रूप को प्रकाशित करने वाली यह अभिधर्म की पठान, ये 2400 आरे है ना, 2400 दिन के 24 आरे नहीं, ये पठान की कड़िया है, जो पटिच्च समुत्पाद की ये 2400 कड़िया समझ में आ जाती, उसको प्रकाशित करती है। यो धम्मं जानाति सो पटिच्च समुत्पादं जानाति, यो पटिच्च समुत्पादं जानन्ति वो सो धम्मं जानाति, जिसने पटिच्च समुत्पाद को जान लिया है तो ये सारे धर्म उसको समझ में आए। जिसको धर्म समझ में आए तो पटिच्च समुत्पाद की यह जानकारी जब तक किसी को नहीं करती नहीं होती तो धर्म को समझ ही नहीं पाता। इसीलिए यह पटिच्च समुत्पाद की कड़ियों को, जैसे किसी वस्तु के भीतर के सारा रहस्य खुलना है तो उसके सारे संश्लेषण विश्लेषण विघटन और विभाजन करते करते उसके सूक्ष्मतम सच्चाई तक मालूम कर सकते हैं, रहस्य खोल सकते हैं। इसी तरह यह सारे नाम रूप के प्रपंच को, तुकाराम की भाषा में यह नाम रूप का 3.5 हाथ का पुतला, तो इसी सार के से मनुष्य और मनुष्यत्र प्राणी सारा दुखी है। किसी को किस प्रकार का, चाहे वो राजनैतिक दुख हो, सांस्कृतिक दुख हो, मनुष्य का दुख हो, मनुष्यत्र प्राणियों का दुख हो, किसी प्रकार का, किसी प्रकार का शोषण, तो ये दुख के पर्यायवाचक शब्द है। बाबा साहब ने इसीलिए कहा था सारे विश्व भर में ऐसे समता मूलक समाज निर्माण करेंगे जो सारा विश्व में सद्धर्म का प्रचार एवं प्रसार किए तो लोग सारी प्रकार सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा पाएंगे, या ये सभी प्रकार की विषमताओं से छुटकारा पाएंगे, सभी प्रकार का सामाजिक दुख उससे छुटकारा पाएंगे। ऐसे समतामूलक समाज निर्माण हो जो एक व्यक्ति किसी को दुख ना दे सके, किसी को तकलीफ ना दे सके। ऐसे टूटे हुए आज तो सारे संप्रदाय के सारे लोग तू तू मैं करते ना, हमारे देश के सुरक्षा मंत्री माजी उन्हीं के ही भाई प्रमोद महाजन जी, उन्हीं के ही भाई ने जैसे गोलियों से भून दिया, क्या मिला उनको, एक कलेजे के दो टुकड़े, फिर भी भाई करके पहचान नहीं पाते। कितना द्वेष भरा हुआ है, कितना वैमनस्य भरा हुआ है। अरे भाई भाइयों में प्यार ही बढ़े, प्यार ही उमड़े, सारे विश्व के लोगों में प्यार ही उमड़े, सारे विश्व के लोगों में यही मैत्री ही उमड़े, सारे यह मैत्री उमड़ करके यह सारी करुणा मैत्री मुदिता और उपेक्षा का सारी आवाज, बोधि ज्ञान की आवाज विश्व भर में फैले, यही बोधि ज्ञान की आवाज इस आवाज चैनल के जरिए सारे विश्व में फैले, ऐसी मंगल कामनाओं को करते हुए यह बोधि को खूब जगाएंगे। सभी सारे विश्व के, चाहे अपने आप को हिंदू बौद्ध जैन सिख यहूदी ईसाई, देश के उस देश के काले या गोरे हो, ब्राह्मण या ब्राह्मणेतर हो, सभी प्रकार के मनुष्य और मनुष्यत्व प्राणियों का सबका मंगल हो, सभी सम्यक संबुद्धों की, प्रत्येक बुद्धों की, अरहत सत्वों की, निर्वाण सत्वों का, सारा ब्रह्म विहारों का झरना सभी प्राणियों पर बहे, सारे प्राणी अपने दुखों से मुक्त हो। जो जो भी यह भगवान की बोधि ज्ञान को धारण करेगा, 8 अंगों वाला जो मार्ग है, जो तदंग प्रहान, जो विखंबन प्रहान और समुच्छेद प्रहान को प्राप्त करेगा, अपने दुखों से छुटकारा पाकर मुक्ति का रस चखेगा, खूब मंगल हो। आशाई
पूर्णिमासी का ये महत्व जो व्यक्ति को अपने दुखों से मुक्ति का यह प्रमाण बनता है, केंद्र बनता है, जो केंद्र से जहाँ बुद्धों की उत्पत्ति का क्षण है। खूब मंगल हो यह आषाढ़ी पूर्णिमासी के अवसर पर, धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर सभी संप्रदायों के सारे लोगों तक यह आवाज पहुंचे और यही आवाज बोधि की आवाज बने, यह अंतर्मर्म की आवाज बने, यह निर्वाण की आवाज बने, मुक्ति का रस चखे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ब्रह्मण यं अम्भे ही कतं पुण्यं सब संपत्ति साधकं सबितं अनुमोदित्वा समगासनिरता पमादरहिता हुन्तु अर्खसुविशेषतो पुण्यभागमिदं चञ्ञं समन्ददामकारितं अनुमोदन्तु तं सभे। मेदिनी ततु मुस्लिम सिख या जैन जिसने मन में लाख किया वही होवे बेचैन। हिंदू हो या बौद्ध हो ईसाई सिख या जैन जिसने मन में लाख किया वही होवे बेचैन। काहे उछलता बावला करता गर्व गुमान रे बड़ो बड़ो का मिट गया जग से नाम निशान। सील समाधि ज्ञान ही यही धर्म का सार जो धारे सच धर्म को जो धारे शुद्ध धर्म को भवसागर पर। सबका मंगल जय 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 गुरुदेव जू जय जय कृपा निधान धर्म रतन साधिया जो पाप निकट नहीं ऐसा चखाया धर्म रस बिसियन रस नल भाय धर्म सारे साधिया छिलके दिए छुड़ा। रोम रोम कृतज्ञ हुआ ऋण चुकाया जाए जियो जीवन धर्म का दुखियन की सेवा करूं दुखियन बाटू धर्म सुख यही
उचित उपाय इस सेवा के पुण्य से भला सभी कहो ये रोग शोक भय भव सब की मिटे जन जन सुखिया सबका मंगल सुखी हुंतु सुखी निदुखा निरोगा निर्वाण पचे हुंतु सबका मंगल हो सबका कल्याण हो सबकी स्वस्ति मुक्ति हो स्वस्ति मुक्ति स्वस्ति मुक्ति।